नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एट प्रोटेक में। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि जब बुरा टाइम आता है तो चारों तरफ से आता है, कुछ ऐसा ही हो रहा है रेन इंडस्ट्रीज और इसके शेयर होल्डर के साथ। लास्ट ईयर रेन इंडस्ट्रीज को बहुत सारे प्रॉब्लम झेलना पड़ा था, जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियो में इसका डिस्कस कर चुका हूँ। और जब एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पेट कोक इम्पोर्ट पे बैन हटाया, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गया कि रेन इंडस्ट्रीज अपने ही यूएसए प्लांट से सीपीसी इम्पोर्ट नहीं कर सकता। हालांकि अभी इस पे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और इसी मंथ इसका फर्स्ट हियरिंग होने का चांस भी है। अभी तक हियरिंग का कोई डेट आया नहीं है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि इसी मंथ इसका हियरिंग स्टार्ट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एल्युमिनियम का ग्लोबल प्राइस है जो कि अभी कम हो रहा है, $1900 से भी कम हो गया है, और ये लास्ट 2 ईयर्स में सबसे लो प्राइस है। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले एल्युमिनियम पे एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाया है, इस पर भी डिसीजन आ सकता है। जब से यूएसए ने इस तरह का ड्यूटी लगाया है, चाइना अपना चीप एल्युमिनियम इंडिया में डंप करना स्टार्ट कर दिया है, और इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडियन एल्युमिनियम प्रोड्यूसर कंपनी जैसे हिंडालको, नालको, बेदांता पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है। इन सभी प्रॉब्लम के कारण रेन इंडस्ट्रीज पे बहुत ही बड़ा प्रेशर आ पड़ा है। बहुत ही कम समय में ये जो 127.45 तक बाउंस आया था वो सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से ये 120 के पास आ गया। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सेल ऑफ आया है बिकॉज ऑफ ए बिग न्यूज फ्रॉम द यूएसए। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा सपोर्ट है। नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सेल ऑफ आया है बिकॉज ऑफ ए बिग न्यूज फ्रॉम द यूएसए, बहुत सारे सिटीज़ ने केस फाइल किया है जेन कार्बन के ऊपर, जो दूसरी कंपनी है जो कि कोल तार बेस्ड सेलेंट बनाती है। और अगर ये केस जीत जाती है तो सैकड़ों सिटी हैं जो कि अपने डैमेज के लिए केस कर सकती है और उन्हें $1 बिलियन का क्लेम भी देना पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये केस है क्या और इसका रेन इंडस्ट्रीज पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सीलेंट या सील कोट है क्या। जनरली ड्राइव बे पार्किंग लॉट्स में एक ब्लैक थिन कोटिंग किया जाता है, जिससे कि एक नया लुक आता है और सरफेस को भी प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इसमें एक केमिकल होता है जिसे हम PAH पॉलीक्लिनिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं, जिससे कि कैंसर होने का रिस्क होता है। इसके जो मैन्युफैक्चरर हैं वो सील कोट के लिए कोल तार यूज करता है। यूएसए में रेन कार्बन, कोपर होल्डिंग्स एंड फ्यू अदर मैन्युफैक्चरर्स कोल तार बेस्ड सीलेंट बनाती है और ये प्रोडक्ट कई स्टेट में बैन भी है। फिर भी यूएसए गवर्नमेंट ने इसके मैन्युफैक्चरिंग को अप्रूव किया हुआ है क्योंकि इसके मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ मैन्युफैक्चरिंग माना जाता है, तो इसलिए इस पर कोई बैन नहीं है, इस पर अप्रूव किया हुआ है इसके मैन्युफैक्चरिंग पे, लेकिन कुछ स्टेट में ये बैन है। तो अब ये देखना होगा कि ये जो सीलेंट बनाती है उसका इम्पैक्ट क्या आता है। तो होता है क्या है कि जो गाड़ियों के चलने से या बारिश से जो ब्लैक थिन कोटिंग होता है, सील कोट होता है, वो थोड़ा थोड़ा निकल जाता है और वो पानी के द्वारा वो किसी पॉन्ड लेक में चला जाता है। ऐसे क्या होता है कि जो फिश है या फिर बहुत तो डिफरेंट तरीके से वो इनडायरेक्टली वुमेन के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आता है। तो इस तरह से कुछ हेल्थ इम्प्लिकेशन आ रहा है, तो इसका इम्पैक्ट तो ह्यूमन पे हो ही रहा है। और इसके बारे में अगर कुछ टेक्निकल पॉइंट है जो कि आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग शेयर आज तक में भी आप पढ़ सकते हैं। अगर ये जो प्रॉब्लम है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पीएच क्या है, इसका डिटेल मैंने शेयर आज तक पे अपने ब्लॉग पे डाल दिया है। तो ये सब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके कारण वहाँ के कुछ सिटी ने केस फाइल किया है रेन कार्बन और जो दूसरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके। तो अब इसमें उन कंपनियों का रिस्पांस क्या है, जो जिन कंपनियों पर केस किया गया उनका रिस्पॉन्सेस क्या है। तो रेन कार्बन ने अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन जो दूसरी कंपनी है, लेकिन कूपर होल्डिंग ने स्टेटमेंट दिया है कि कूपर डज नॉट बिलीव दैट देर इज ए मेरिट टू दिस क्लेम। सो इस तरह से उन्होंने दिया है कि इस पर किसका जो क्लेम किया गया है इस पर उनको कोई बिलीव नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो अब देखना है किसका जो इम्पैक्ट होगा वो हमारे शेयर प्राइस पे कैसे होगा, जो ये केस हुआ है उसका शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो रेन कार्बन का पेरेंट कंपनी है वो इंडिया में लिस्टेड है रेन इंडस्ट्रीज के नाम से, और उसकी बुरी तरीके से पिटाई की जा रही है इस न्यूज़ के आने के बाद। जबकि जो दूसरा कंपनी है जिन पर ये केस हुआ है,
कुपे होल्डिंग्स ने पे जिस पे केस हुआ है जो कि नेस्टेक में लिस्टेड है, जबकि ये न्यूज आने के बाद उसके शेयर पे कोई निगेटिव इम्पेक्ट नहीं दिख रहा है, उल्टा उसके शेयर पिछले एक वीक में 15% तक बढ़ा है। उसी तरह से अस्टीला जॉन कॉप जो कि कनाडा में लिस्टेड है, उसके शेयर में भी इसके इस न्यूज़ के आने के बाद पॉजिटिव ही चल रहा है, उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं आया बल्कि पॉजिटिव ही चल रहा है। और जो अदर कंपनी है जिसपे केस हुआ है वो उसमें से अधिकांशतः कंपनी लिस्टेड नहीं है। इसमें एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब जीन ने ये रगस को एक्वायर किया था टाइटन से, तब एक गारंटी लिया था उन कंपनियों से कि अगर फ्यूचर में ऐसा कोई इन्वायरमेंट रिलेटेड केस होता है, इश्यूज आता है, तो उसका जो एक्सपेंसेस होगा वो पुराने कंपनी भरेगी, उसकी जिम्मेवारी पुराने कंपनी होगी, टाइटन की होगी। और इससे रिलेटेड पहले एक दो साल में अच्छा खासा क्लेम भी कर चुका है जेन, इसमें कुछ क्लेम भी कर चुका है पहले, और अब ये 6 ईयर से ज़्यादा हो गया। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि ये गारंटी अभी भी है या नहीं है। अगर कोई क्लेम अभी आता है तो उसे जेन कार्बन भरेगा या इसके जो पुराने कंपनी है ट्रायटन वो भरेंगे, या उसके जो पुराने कंपनी जो जिन्होंने एक्चुअली ये गारंटी दिया था वो भरेंगे। तो इसका जो अभी इशू आता है, इसमें जो भी क्लेम आता है ये कौन भरेगा, ये अभी तक कुछ क्लियरिटी नहीं है इस पर। तो फाइनली हम लोग को रेन कार्बन का जो स्टेटमेंट आएगा उसका वेट करना होगा कि रेन कार्बन का स्टेटमेंट इस पर क्या आता है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा सपोर्ट है। नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए।